अगली खबर पुलिस कर्मियों को लेकर है, जहां कानपुर में पुलिस कर्मियों का मोबाइल चुराने की घटना के बाद शुक्रवार को प्रयागराज में भी चोरी की घटना का एक मामला सामने आया है, जिसमें दरोगा बल्ब निकालकर जेब में रखते हुए एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ फूलपुर को सौंपी है। वहीं प्रारंभिक तौर पर लापरवाही का मामला देखते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया है। फुटेज फूलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 28 सेकंड का यह फुटेज 7 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है। इसमें एक सुनसान जगह पर दरोगा खड़ा दिखाई देता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वह इधर उधर देखता है, इसके बाद बल्ब निकाल कर जेब में रखता है और वहां से चला जाता है। दरोगा राजेश वर्मा फूलपुर थाने में तैनात है। सीओ फूलपुर मनोज कुमार सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दरोगा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। फिलहाल प्रथम दृष्टया लापरवाही उजागर होने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में बल्ब चोरी करने वाले दरोगा राजेश वर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि जांच शुरू हो गई है, जो सच्चाई होगी वह सामने आएगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं फूलपुर थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों ने नाम न पब्लिश करने की शर्त पर बताया कि जांच शुरू हो गई है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को फूलपुर में मेला था, जहां पर दरोगा राजेश वर्मा की ड्यूटी लगी थी। उसकी दूसरी ओर अंधेरा था, उधर से लोग आ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने बल्ब निकाल कर रास्ते की ओर लगाया है। पुलिस कर्मियों ने कहा कि क्या 50-60 हजार रुपए पाने वाला व्यक्ति बल्ब चोरी करेगा, ये पूरी तरह से गलत है।